मेरठ के थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के कचहरी परिसर में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब एक प्रेमी युगल जोड़ा कोर्ट मैरिज करने के बाद अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगाने एसएसपी कार्यालय पर जा रहा था, लेकिन युवती के परिजनों को भनक लगते ही युवती के परिजनों ने दोनों की पिटाई कर दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रेमी युगल जोड़े को हिरासत में लेकर तथा समझा बुझा कर दोनों को घर पर छोड़ दिया। आपको बता दें, पड़ोस में रहने वाली एक युवती का काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिस पर प्रेम प्रसंग की भनक युवती के परिजनों को लग गई और परिजनों ने प्रेमी युवक के परिजनों को बताया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। चूंकि दोनों अलग अलग बिरादरी से ताल्लुक रखते थे, जिस पर युवती के परिजनों ने युवती की शादी कराने की बात कही, लेकिन युवती को परिजनों द्वारा कराई जा रही शादी नामंजूर थी, जिसके बाद प्रेमी जोड़े ने 6 माह पहले ही युवती से कोर्ट मैरिज कर युवती को उसके घर पर छोड़ दिया था। लेकिन इसकी भनक युवती के परिजनों को कतई भी नहीं लग पाई थी और मौका पाकर प्रेमी युगल ने घर से भागकर शादी कर ली और साथ में रहने लगे। लेकिन प्रेमी युगल आज एसएसपी कार्यालय पर अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगाने के लिए पहुंच रहे थे, तभी इसकी भनक जोशी के परिजनों को लग गई, जिस पर समय रहते युवती के परिजनों ने कचहरी परिसर में मौजूद प्रेमी युगल जोड़े के साथ मारपीट कर दी। लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रेमी युगल जोड़े को अपनी हिरासत में ले लिया तथा समझा बुझा कर दोनों को उनके घर पर छोड़ दिया। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए मेरठ से संवाददाता शुभम शर्मा की खास रिपोर्ट। मोहित, कहाँ से हैं आप? सर, मैं मेडिकल के पास ग्राम गेसुपुर से हूँ। आज इस आप यहाँ पर क्यों आए थे? सर, मैंने अपनी पत्नी से मैंने शादी कर रखी है। 6 महीने पहले मैं शादी कर चुका हूँ। गाजियाबाद मैंने शादी की थी, जो कि मैंने रजिस्टर्ड भी कराई हुई है। तो मैं अपनी वाइफ को मैंने उसके घर वालों के पास छोड़ दिया था। तो कुछ टाइम हम मिलते रहते थे बीच बीच में, और उसके बाद अब जो है कि इसके जो घर वाले हैं ये मेरे पास आ गए थे, तो इनके घर वाले हमें जान से मारना चाहते हैं। हम एसएसपी सर के यहाँ भी पेश हो चुके हैं। कहाँ के हैं इनके परिवार के और क्यों मारना चाहते हैं, आपको ये बताएं। सर, हरदेव नगर रोहटा रोड के ये रहने वाले हैं। रोहटा रोड के जो हरदेव नगर है, वहाँ के रहने वाले हैं। और इनका कहना है कि हम जो लड़की से कहा है कि हम शादी नहीं कराने के, तो ये जान से मार देंगे। लड़की ने अपने फैमिली में सबको बता दिया था, अब से करीबन 3-4 महीने पहले बता दिया था, लेकिन शादी के बारे में नहीं बताया गया था कि मैंने शादी कर रखी है। लड़की के रिश्ते की बात चला रही थी कि शादी करनी है, तो लड़की ने मना कर दिया कि मेरे को शादी नहीं करनी, मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन मेरे को मोहित के साथ रहना है, मैं मोहित के साथ ही रहूंगी, तुम्हें जो करना है वो कर लो। तो अभी इनके घर वाले शादी का दबाव डाल रहे हैं कि मेरी शादी, तू शादी कर ले, नहीं तो हम उसे जान से मार देंगे, उसकी फैमिली को जान से मार देंगे। कल रात मेरे घर पे भी ये गए इनके घर वाले 4-5 जने गाड़ी में, और मेरे घर पे धमकी दे गए कि अगर 4 घंटे के अंदर मेरे को नहीं दिया, हमें हमारी लड़की नहीं दी, तो हम जान से मार देंगे। क्या कारण है जो वो शादी को नहीं मान रहे हैं, क्यों नहीं मान रहे हैं शादी को? सर, ये कारण है कि एक तो पता नहीं क्यों क्या कारण है कि एक तो कह रहे हैं कि हम इस बिरादरी में शादी नहीं करना चाहते। आप किस कास्ट से हैं और ये किस कास्ट से हैं? सर, मैं OBC हूँ और ये SC हैं। तो इनके घर वालों को थोड़ा कि हमें यहाँ शादी नहीं करनी, जबकि मैंने 6 महीने पहले मैं शादी कर चुका हूँ, मेरी शादी रजिस्टर्ड है, मैंने आज SSP सर के यहाँ पे भी मैं पेश हो चुका हूँ। मेरी पत्नी को जान मान को खतरा है, इनके घर वालों ने मेरे पे अभी यहीं पे कचहरी में ही हाथापाई किया, मेरा गिरान पकड़ा, मेरे को गला मेरा गला दबाया, मेरा 2-3 गुट भी मारे इन्होंने अभी चैम्बर के अंदर ही घुस के। क्या हुआ है आज, क्या घटना हुई है आपके साथ कचहरी में? सर, वो एसपी से टीके आप सामने मतलब फेस होने लगे, तो भाई वाले निकल रहे थे, अब उन्होंने देखा तो पीछे पड़ गए कि मार देंगे, ये कर देंगे, कर देंगे घर चल वरना। क्यों मारना चाहते हैं आपको? सर, अदर कास्ट में शादी की है इसलिए। इनके परिवार वाले राजी हैं आपकी शादी के लिए? हाँ जी। शादी आपने अपनी मर्जी से की है? हाँ जी। अब क्या चाहते हैं आप? सर, यही बस कि फैमिली साथ तो रहना ही नहीं है, इनके साथ ही रहना है। कब की थी इन्होंने आपसे शादी? सर, 4 फरवरी को। 37, 47, 40, 37, 47।